आज बीजगणित के तीसरे भाग में हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी तक एक चर वाले समीकरण को हल करना सीख लिया है, आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करना सीखेंगे। तो थोड़ा सा उसके पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक दो शब्द आपके, जैसे पहला शब्द आपको सुनने में आएगा युगपत समीकरण। इसकी इंग्लिश होती है साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब इसकी पहचान क्या होती है, इसको कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो जब अज्ञात राशि किसी भी इक्वेशन में अज्ञात राशि एक से अधिक हो, ठीक है, नाम से आपको लग रहा है एक से अधिक हो, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपके सामने एक इक्वेशन लिखा हुआ है x plus y is equal to 5, हम आपसे कह रहे हैं x का मान निकालें या y का मान निकालें, किसी का भी मान निकालें, तो आप इसको अभी हल नहीं कर सकते क्योंकि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। दो चर वाला मतलब इसमें दो अज्ञात राशि है, एक्स भी है वाई भी है, हम इसको अभी हल नहीं कर सकते हैं। कब तक नहीं कर सकते? जब तक इसके साथ एक और समीकरण ना मिला है। तो 2x plus y is equal to 7। अब ये समीकरण नंबर एक हो गया, ये समीकरण नंबर दो हो गया। अब इन दोनों को आपस में हल करके हम यहाँ x और y दोनों का मान निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक से अधिक है अज्ञात राशि जिसको युगपत समीकरण कहते हैं, या फिर इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है, बस हमने अब युगपत में सब आ जाएगा, तीन चर वाले भी आ जाएंगे, तो तीन चर होगा तो तीन इक्वेशन बनेंगे, तीनों को हल करना पड़ेगा, और दो चर है तो कितनी इक्वेशन बनेंगी? दो। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आपसे कोई कहीं कह रहा हो या आपको कहीं दिख रहा, आप खुद ही हल कर रहे हैं क्वेश्चन, आपके पास ऐसे इक्वेशन है जिसमें दो अज्ञात राशि है, तो उसको आप हल नहीं कर सकते। कब तक? जब तक आपको एक दूसरा इक्वेशन भी ना मिल जाए। अब ये जैसे आप, इसलिए जब भी आप क्वेश्चन कीजिएगा तो एक्स वाई अगर दो है तो अकेले उसको मत भिड़ाया दीजिएगा कि एक्स वाई माइनस फाइव हो गया या फाइव माइनस वाई हो गया, नहीं, उसके साथ आपको एक दूसरा समीकरण भी चाहिए होगा। तो आज हम लोग पढ़ने के हवाले हैं कि इस टाइप के समीकरण को हल कैसे करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो अब इनको हल करने की दो विधि है आपके पास, तो पहले आपके सामने लिखा भी हुआ है। पहला है गुणांक को बराबर करके। गुणांक क्या होता है? जैसे आपसे बताया ना 2x plus y ऐसे लिखा हुआ, यहाँ x का गुणांक क्या है? दो, y का क्या है? एक, ठीक है, इन गुणांकों को बराबर करके दो इक्वेशन होंगे, अभी बताते हैं इसको पूरा डिटेल। और दूसरी विधि है स्थानापन्न विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि हमारे जगह पे किसी को रख देना, हमारा सब्स्टिट्यूट कोई आ गया, जैसे आप आ गए हमारे जगह पे तो सब्स्टिट्यूट हो गए, आप मेरे सब्स्टिट्यूट हो, ठीक है। तो इन दोनों विधियों को, एक ही क्वेश्चन को उठाएंगे और एक ही क्वेश्चन को दोनों विधियों से करने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट क्या करेंगे, विधि नंबर एक। विधि नंबर एक आगे आप करते हैं, एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे, जैसे एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर, वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल टू टू। फिर ये अलग अलग प्रश्न नहीं है, ये एक ही प्रश्न है, दो अज्ञात राशि है तो आपको दो इक्वेशन चाहिए होगा हल करने के लिए, यानी एक्स और वाई का मान निकालने के लिए आपको कितने इक्वेशन चाहिए होंगे? दो इक्वेशन चाहिए। पहला लिखिए क्या है, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर, वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल टू। अब एक चीज आपको पिछली बार हम काफी डाउट आए थे भाग भाग वाले क्वेश्चन में, तो भाग वाले क्वेश्चन में ऐसा किया गया था कि मतलब गुणांकों को आगे पीछे लिख दिया गया था, मतलब एक्स स्क्वायर पहले लिखा गया था, एक्स क्यूब बाद में लिखा गया था, तो उसको कहा गया था कि आप आगे पीछे रिप्लेस करके परफेक्ट बना लीजिए तब कीजिए।
तो यहाँ पे इससे घबरा नहीं है, आप कहेंगे सब यहाँ पे पहले एक्स आ गया, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, यहाँ एक्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जोड़ेंगे या घटाएंगे या कुछ भी करेंगे, एक्स एक्स में जुटेगा, वाई वाई में जुटेगा या घटेगा, जो भी हो, ठीक है, वो कहीं भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है। ये दो इधर रहता वो वाई उधर रहता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, आप पक्षांतर करके उसको अपने स्थान पे ला सकते हैं। ये हो गया मेरी बात। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला विधि क्या है, गुणांक को बराबर करो। गुणांक को, अब गुणांक किसके गुणांक को बराबर करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहे जिसके भी गुणांक को बराबर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। करते कैसे है, एक बार क्वेश्चन को यहां बीच में लिख लेंगे, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर, फिर वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल टू टू, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, x को ही चलो कर लो, x के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। यहां 2x, यहां x है, मतलब यहां अगर दो से गुणा हो जाए ये भी 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं जाएगा। अभी सोचना तो ये आपको ही पड़ेगा कि हम क्या करेंगे। यहां तो बड़ा सिंपल सा दिख रहा है, कहीं कहीं नहीं दिखेगा, अब आपको हम ये उस टाइप का क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। अब यहाँ पे कैसे आप आओगे, इस इक्वेशन में समीकरण नंबर एक में आप किससे गुणा कर देंगे, दो से, पूरे से देते, ठीक है। अब दो से जब गुणा कर लोगे ये समीकरण क्या बन जाएगा, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, और ये जो दूसरा समीकरण है ये हूबहू वैसे ही उतर जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही समीकरण में आपको गुणा करने की आवश्यकता पड़ेगी, कभी कभी दोनों समीकरण में किसी न किसी अंग के गुणा करने में पड़ जाएगी, वो एक क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। ये हो गया। अब इसके बाद से हम ऐसा क्या करें कि कोई एक जिसका गुणांक हम बराबर किए हैं वो यहां से गायब हो जाए। गायब हो जाने का क्या मतलब है, जीरो हो जाए। तो जीरो कब होगा, अब जब दोनों के चिन्ह समान है तो घटेगा तभी तो जीरो होगा, तो 2x से 2x घट जाएगा, यानी इसमें से इसको हमको घटाना पड़ेगा, पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाना पड़ेगा। घटाने का नियम क्या होता, नीचे के चिन्ह क्या हो जाते हैं, चिन्ह जाते हैं, ये प्लस में था प्लस माइनस में हो गया, ये भी प्लस में था माइनस में हो गया, ये भी प्लस में था ये भी माइनस में हो गया, ये x से x खत्म हो जाएगा, खत्म होने का मतलब 2x से 2x जाएगा जीरो हो जाएगा। यहाँ 4y है, यहाँ y घटेगा तो क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6y 3, काट लेंगे क्या आ जाएगा, मतलब y का मान क्या है, इतना ध्यान रखिए, इतना समझना कि यह कुछ नहीं गया है। हम आपको गुणांक बराबर करके हल करने की विधि बता रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर दो अज्ञात राशि है तो दो इक्वेशन चाहिए, उसके बाद आप इक्वेशन में देखेंगे कि किसके गुणांक को हम आसानी से बराबर कर सकते हैं। बराबर करने के लिए आपको उस संख्या में किस नीचे से गुणा करना होगा। यहाँ पे एक्स था, यहाँ टू एक्स था, तो हमने डिसाइड किया कि हम इसे एक्स का गुणांक को बराबर करेंगे, तो हमने दो से गुणा कर दिया पूरे समीकरण में, 2x plus 4y is equal to 8 हो गया। अब पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो ये 2x गायब हो जाएगा। ये बात हम बोल रहे हैं क्या, कि पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो 2x गायब हो जाएगा। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको घटाना ही है, आवश्यकता अनुसार जोड़ा भी जाता है। अगर पहला माइनस में होता दूसरा प्लस में होता और चिन्ह विपरीत होते तो आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा, ये कट जाएगा, फिर इसके बाद इसको आप हल करेंगे सिंपल सा, तो y बराबर 2 आ गया। अभी यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि आपने सिर्फ x का मान, y का मान निकाला है। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आप सिंपली किसी भी इक्वेशन में y का मान रख देंगे, भाई एक अज्ञात राशि को गायब कर लो, दूसरा अपने आप पता चल जाएगा, गायब कैसे, y का मान आपको पता चल गया, तो y बराबर 2, y बराबर 2 इसको किसी भी समीकरण में आप कैसे प्राप्त किए, ठीक है, y बराबर 2 आ जाएगा, इसको रख देंगे किसी चीज में रख दो, तो 2 प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये 2 प्लस में है, ये 2 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो गया, तो x बराबर 0 बटे 2, एक्स वाला क्या आएगा,
और वाई बराबर क्या आएगा? दो। अब इन जीरो का मतलब क्या है? इस एक्स बराबर जीरो वाई बराबर, इस मान का मतलब क्या? इस मान का सिंपली मतलब है कि जब भी इस मान को आप उसमें रखेंगे तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सेटिस्फाई कैसे हो जाएगी? मान लो देख लो, अब यहाँ पे एक्स बराबर क्या है? जीरो प्लस दो। वाई बराबर क्या है? दो। कितना है इसका मान? चार। देखो यहाँ चार पैसे से है, इसमें रखो, इसको मुझे वाली रखने की कोशिश करो। तो यहाँ रखो वाई बराबर दो, एक्स बराबर क्या है? जीरो। तो जीरो खत्म हो जाएगा, इधर दो ही बचा बस, और उधर दो बस। मतलब इस मान को रखने पे समीकरण अपने पुष्टि कर रहे हैं, हाँ हम सही हैं, हम दोनों एक दूसरे के बराबर। क्लियर हो पा रहा है? सिंपल सा एक इक्वेशन था, आप इसको करके देखे होंगे, आप खुद भी ट्राई कीजिए। इस टाइप के प्रश्न आपको आज दिए गए हैं, 10-12 प्रश्न होंगे आपके क्वेश्चन बैंक में, इनको आप हल करने का प्रयास करें। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे विधि से करने का प्रयास करेंगे, सनातन विधि से, ठीक है? तो इसको करने के लिए बस एक सिंपल सी चीज सोचनी है कि हम एक इक्वेशन से सिर्फ एक अज्ञात राशि का मान निकाल सकते हैं। एक समीकरण से एक, जैसे अभी x प्लस फाइव इज इक्वल टू सेवन लिखा है ना, x प्लस फाइव इज इक्वल टू सेवन लिखा है, तो आप बड़ा आसानी से इसका मान बता सकते हैं कि इसका मान क्या होगा? दो होगा। अगर इसके जगह पे x प्लस टू लिखा हुआ है इज इक्वल टू सेवन, तो भी आप इसका मान निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, x बराबर फाइव बाई टू। इस चीज को सोचिए, मतलब हमें समीकरण में अज्ञात राशि कितनी चाहिए? सिर्फ एक। तो अब इसका मतलब आपको समझ में आ गया अस्थानापन का, आपको क्या करना है? एक अज्ञात राशि को गायब करना है, दूसरे तरीके गुणांक बराबर नहीं करना है। कैसे करना है इसको देखने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या था भाई? x प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर, वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल टू टू, यही था। अब किसी भी एक समीकरण को पकड़ लो, ऊपर वाले को या नीचे वाले को, ऊपर वाले को ही देख लो, तो वहां से तुमको क्या करना है? x का मान निकाल लो, x बराबर क्या हो जाएगा वहां पे? फोर माइनस टू वाई, ये हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं जाएगा? देख लो, x बराबर टू वाई प्लस फोर है, बस टू वाई बच रहा है। हमको x की वैल्यू चाहिए किसी भी रूप में, y के x। अब दूसरे समीकरण में इस x के मान को रख देंगे, दूसरे समीकरण, दूसरा समीकरण क्या है? y प्लस टू एक्स है, तो टू एक्स के जगह में क्या आ जाएगा? फोर माइनस टू वाई इज इक्वल टू टू, दो, ठीक है? अब इसको हल करेंगे फटाक से, y प्लस एट माइनस फोर वाई इज इक्वल टू टू। भाई सब समझ में आ रहा है इतना तो? कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, होगी तो बताइएगा। इसके बाद से क्या हो जाएगा? अब घटाइए बताइए इतना, ये y माइनस फोर वाई है, तो माइनस थ्री वाई, और उधर जाके क्या हो जाएगा? टू माइनस एट, तो माइनस थ्री वाई, और दो में से आठ जाएगा तो माइनस छह, तो माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर सिक्स बटे थ्री। तो क्या आ जाएगा? तो क्या आपको याद आ रहा है? इसके पहले भी जब हम समीकरण को हल किए थे तो मान क्या आया था? y बराबर दो आया था। समझ में आ रही मेरी बात? आनी चाहिए, नहीं आ रही तो समझने की कोशिश कीजिए। y बराबर दो, अब कहीं रख लो, y का मान आ गया तो इसी में रख लो, दो यहां रख लो, तो दो जब रखोगे तो x बराबर क्या आएगा? फोर माइनस टू इंटू टू, तो x बराबर फोर माइनस फोर, तो x बराबर जीरो। और वेरीफाई कर सकते हैं कि इसके पहले आप दूसरे विधि से हल किए थे तब भी x बराबर जीरो और y बराबर दो आ रहा है, यानी इसका मतलब यह है कि आप किसी भी मेथड से करें, इन दोनों में किसी भी मेथड से करें, आपको मान क्या मिलेगा? बराबर या यस। अब डिपेंड करता है कि कहां आप किस चीज को आसानी से हल कर पा रहे हैं। कहीं कहीं इस विधि को उठाना बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाती है,
अस्थानापन्न को, अब कहीं कहीं गुणांक बराबरी नहीं हो पाएगा, तो आपको ऑब्वियस सी बात है आपको यही उठाना पड़ेगा। तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती रहेंगे, लेकिन हल करने के तरीके यही हैं, आपको जो समझ में आए आप उससे करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आगे हम लोग एक दो इसी टाइप के क्वेश्चन उठाएंगे थोड़े से अच्छे अच्छे चलिए चलिए इसको इस टाइप के प्रश्न को एक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी देख लीजिए यहां से हमने एक्स है, थ्री वाई है, सेम टू एक्स है। अब आपका दिमाग जहां भी चला जाए कि आप किसको बराबर करना चाहते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं, इसको मेरे लिए आसान है, ये वाई को करना होगा तो हम वाई को ही करेंगे। तो कर स्टार्ट करते हैं, यहां तीन है यहां पांच है, इन दोनों को बड़े आसानी से 15 बनाया जा सकता है, क्या ना 15 कैसे बना सकते हैं, पांच में इसमें तीन से गुणा कर लो, इसमें पांच से गुणा कर लो, ठीक है। तो कल पहले इक्वेशन किससे गुणा कर देंगे, तीन से, दूसरे इक्वेशन में किससे गुणा कर देंगे, पांच से, तो साथ देखिए 21x माइनस 15y इज इक्वल टू 45 दिया 135। अब इसको कैसे करेंगे फिर, पांच कैसे बना, तो पांच में 10x प्लस 15y 20 समझा एकदम। अब क्या कर सकते हैं, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो आपको यहां घटाने की जरूरत नहीं है, ये बात हम बोल रहे थे, एक कुछ होते हैं हम तुरंत मान लेते हैं कि हम घटेंगे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना था भाई, जो आवश्यकता होगी वो करेंगे। अब यहां जोड़ी जोड़ के काम चल जाएगा, तो जोड़ी के काम चल रहे, 21x 10 31x ये खत्म, बराबर 135 और धन 20, 10 155 155, देखो बड़ा आसानी हो गया, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 155 बटे 31 खत्म, कितनी बार शायद 5 बार, 5 ही बार आएगा, एक्स इज इक्वल टू 5 आ गया, एक्स बराबर 5 आप निकाल चुके हैं। अब इस x बराबर 5 को आप दोनों में से किसी भी समीकरण में किसी भी स्थान पे, चाहे आप ये गुणा किए हुए स्थिति में या उसके पहले वाले स्थिति में किसी में भी रख लीजिए, वो सेटिस्फाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप चलिए ऊपर वाले में रख लीजिए, तो x बराबर 5 को रखने पर 7 × 5 − 5y = 45, 35 -5y = 45 − 35 − 5y = 10 − 10 / 5 − 5, चिन्ह नहीं छूटेंगे, यहाँ गुड़ा होगा, अब ये मत सोचना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस नहीं, यहाँ गुड़ा तो गुड़े का ही प्राथमिकता है, पांच तो इस माइनस तो पांच के साथ चिपका हुआ है, इधर आएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस, एक्स बराबर क्या आया, एक्स बराबर क्या आया 5, ठीक है समझ में आया। अब इस दोनों वैल्यू को आप किसी भी समीकरण में रख के देखिए, मान सेटिस्फाई होगा, रखिए एक्स बराबर 5 तो 35 हो गया, वाई बराबर -2 तो ये प्लस 35 और 10 45 जुड़िए, यहां रख दो एक्स बराबर क्या है 5, तो 5 तो ये 10 हो गया और ये -6, तो 10 में से 6 जाएगा तो बोला है, मतलब आपका ये आंसर सही है। अब इसको आप दूसरे विधि से भी करके प्रयास कीजिए, आंसर सेम आएगा, बात समझ में आ रही है। अब ये तो आप बड़े सिंपल वाले क्वेश्चन देख गए, आपके क्वेश्चन बैंक में एक दो टाइप के और एक बार जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है, एक क्वेश्चन और आप करके देखेंगे, ठीक है, उसको उसके बाद से हम लोग फिर आगे टॉपिक पे काम करेंगे। चलिए अब देखो, अब एक क्वेश्चन इस टाइप का आ गया, ठीक है, तो अब आप इसको हम मतलब करके नहीं दिखाएंगे, आपको हम बस आइडिया दे रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हैं, आप खुद प्रयास कीजिएगा, अगर फंसेगा बिल्कुल ऐसा होगा कि आपसे हो नहीं पा रहा तो आप संपर्क कीजिएगा व्हाट्सएप पे, आपको तुरंत बताया जाएगा, लेकिन इसको हम कोशिश करते हैं पूरा बता ही दें। अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखो क्या होगा, अब तुम एलसीएम एलसीएम लो, आप इसमें गुणांक कैसे बराबर करोगे, नहीं कर पाओगे, दिक्कत होगी, बात समझ रहे हैं आप, तो आपको इसमें करना होगा ये, या तो आप सब्स्टिट्यूट मेथड लगाइए,
जो आपके लिए पहाड़ काम हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगा। दिमाग कैसे लगा सकते हैं कि जो चीज आपको परेशान कर रही है आप उसको क्या कर रही है, उसी को गायब कर रहे हैं। यहाँ परेशान क्या कर रहा है, ये अपॉन में एक्स और वाई। अगर ये वही ऊपर होता तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, अगर फ्रैक्शन में नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी ना, बात समझ रहे। चलिए अब इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है वन बाई एक्स और यहाँ वन बाई वाई। इसको मान लीजिए ए है, इसको मान लीजिए बी है, और आप इक्वेशन में इसके मान को रख लीजिए। तो 11a माइनस 7b इफ 76 नहीं है बी है ठीक है बराबर 1। दूसरे वाले में हो जाएगा 9a माइनस 4b इज इक्वल टू 6। वो देखते अब इसके बाद से तो आप सीख ही चुके हैं कि आपको करना क्या है, और करना जो भी हो आप करिए इसको। इसके में अगर 4 से गुणा हो जाए और इसमें 7 से गुणा हो जाए तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो अब करेंगे आप अपने आप भी कोशिश कीजिए, मेरे तमाशा नहीं देखना है आपको, आप कॉपी रखे हो आप उस पर हमसे पहले करने का प्रयास कीजिए, ज्यादा दिमाग में समझ में आएगा। 44 से माइनस 28 बी इज इक्वल टू 4, फिर इसको कर दो 7 से होगा तो 63 ए माइनस 28 बी बराबर 42। अब आपको क्या करने की कोई जरूरत है, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आप जोड़ तो नहीं सकते क्योंकि दोनों चिन्ह क्या है एक समान है, तो आपको क्या करना होगा घटाना होगा, घटा लीजिए चिन्ह क्या हो जाएगा परिवर्तित, यहाँ पे ये हो जाएगा तो कैंसिल किए। अगर 63 में तो 13 में से 4 जाएगा, 13 में से आ जाएगा 9 ठीक है 19 आ जाएगा, आगे बढ़ ऊपर देखिए चलो ठीक है समझ में आ जाएगा मुझे। 19 ए खत्म ही हो गया, 42 में चल जाएगा तो माइनस 38। ऊपर देखिए हैं आया कमान क्या माइनस 19 ए इज इक्वल टू माइनस 30, तो माइनस माइनस उठ जाएगा पहले ही ठीक है, और ए बराबर क्या हो जाएगा 38 बाई 19 कैंसिल हो जाएगा। ऐसा क्या है ए बराबर क्या आया, ये डबल ब्रैकेट में चल रहा है, ए बराबर क्या आया 2। अब इस ए बराबर 2 के सहायता से आप बी का भी मान निकाल सकते हो, भी निकाल सकते हो बिल्कुल निकाल सकते हो, कहीं किसी क्वेश्चन में पुट कर लो मान यहां रखो 9। अब जब नहीं हल करना अगर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है तो आपको इतना लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, अगर आपके आप जैसे आज हिम्मत दिया गया तो आपको इतना विस्तृत रूप से करना पड़ेगा, लेकिन जब एमसीक्यू में आता है तो आप इसको एक लाइन में भी खत्म कर सकते हैं क्योंकि आपको तो बस ट्रिक लगाना है कि कौन सा मान सही है। और एमसीक्यू में ऑप्शन चेक का भी मेथड होता है, एक्स वाई का मान दिया हुआ है तो आप मान उसमें सब में फूट करके देख लीजिए, जो भी सेटिस्फाई कर रहा है मान को वही आंसर सही होगा, लेकिन उसमें गलती होने के भी चांसेस रहते हैं भाई साहब बहुत। ए बराबर 2 आ गया, अब इसको मान आप रखेंगे किसी में भी रख लीजिए, यहाँ रख दो तो 18 ए बन जाएगा माइनस 4b इज इक्वल टू 6, तो 18 माइनस 4b इज इक्वल टू 6 उधर जाएगा माइनस 4b 6 माइनस 18 माइनस 4b माइनस 12 कट गया, बी बराबर क्या जाएगा इसको डबल ब्रैकेट कर लो भाई, ए बराबर 2 और बी बराबर क्या आया 3। आपने यहां पे कुछ कर रखा था यह था हाँ सर ये थी, देखो अब वहां से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 1 बाई x बराबर क्या आया है 2, 1 बाई y बराबर क्या आया है मान। अब इनको आप यहां पर कुछ है इसमें, अब यहां से आप सीधे पूरा करते हैं, अगर एक्स बराबर 1/2 आ जाएगा और वाई बराबर 1/3। अब आप मान रख के अगर देखेंगे चेक करेंगे तो आपको आंसर सही प्राप्त होगा। चलिए तो आगे भी इस टाइप के प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक में है, एक दो जैसे एक होगा एक्स प्लस वाई
अपॉन में करके फिर x माइनस वाई अपॉन में करके इज इक्वल टू, तो सब जगह इसी टाइप से आपको रिप्लेसमेंट कर देना होता है। इक्वेशन को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में साधारण रूप में बना लीजिए, उसको प्रयास कीजिए और इस जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको ट्राई कीजिएगा दोनों विधि से, मतलब स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन को तो करना ही करना दोनों विधि से, ताकि आपको दोनों का प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद से फिर हम लोग कल मुलाकात होगी, हम लोग कल वर्ड वाले प्रॉब्लम बाती वाले प्रश्न करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद से फिर सूत्र वाले। बीच में थोड़ा लंबा चैप्टर है आपका तो चलेगा लंबा, कोशिश करते हैं इस सप्ताह में खत्म हो जाए या फिर जल्दी खत्म हो जाए। तो उम्मीद करते हैं जो भी आज पढ़ाया गया होगा समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, नमस्कार।